हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पोजीशनिंग के बारे में। आज हम देखेंगे पोजीशनिंग, हम देखेंगे डिफरेंट टाइप की पोजीशंस, देखेंगे उनके पर्पस, देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन: पोजीशनिंग इज डिफाइंड एज प्लानिंग द पर्सन इन अ प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव आस्पेक्ट्स ऑफ द हेल्थ और प्लेसिंग द पेशेंट इन अ गुड बॉडी अलाइनमेंट नीडेड थेरापेटिकली। पोजीशनिंग का मतलब है पेशेंट को एक प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट देना, उसको रिहैबिलिटेट करने के लिए, उसको प्रिवेंट, प्रमोट, क्यूरेटिव फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, हेल्थ के मेंटेनेंस के लिए, या थेरापेटिकली, या उसकी जो कंडीशन है कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि हम आ सकते हैं कोई रेस्पिरेटरी डिजीज का पेशेंट है, उसको प्रॉब्लम हो रही है एयरवे में, इसलिए हम उसको फाउलर्स पोजीशन देंगे, उसको हम बैठाएंगे ताकि वो उसका लंग एक्सपेंशन के लिए एरिया बढ़े और वो इजीली इजीली रेस्पिरेशन कर सके, ताकि इसीलिए हम उसको फाउलर्स पोजीशन देंगे। अब स्टार्ट करते हैं, अगेन देखते हैं पर्पस। पोजीशनिंग का मतलब क्या था? पोजीशनिंग इज प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट फॉर द प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव आस्पेक्ट्स ऑफ द हेल्थ एंड प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट फॉर थेरापेटिक पर्पस। ठीक है, पर्पजेस: प्रमोट कम्फर्ट, रिलीव प्रेशर एंड स्ट्रेस, स्टिमुलेट सर्कुलेशन, प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट, कैरी आउट इंटरवेंशंस, प्रमोट फिजिकल फंक्शंस, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस कॉज्ड बाय इमोबिलिटी। सबसे पहले हम कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे। जब हम पेशेंट को पोजीशन देंगे, उस पोजीशन से पेशेंट को अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन है प्रॉब्लम, उस पोजीशन से उसको उस कंडीशन में थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। रिलीविंग प्रेशर एंड स्ट्रेस, हम उसकी पोजीशन चेंज करते रहेंगे इसलिए उसको प्रेशर रिलीज रहेगा। स्टिमुलेट सर्कुलेशन, जब हम उसका पोजीशनिंग चेंज करेंगे या उसे स्पेसिफिक पोजीशन देंगे तो किसी भी पॉइंट ऑफ बॉडी पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, इसलिए वहाँ पे बॉडी का प्रॉपर सर्कुलेशन होता रहेगा, प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट हम देंगे। ही करेंट इंटरवेंशन, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशंस देंगे, कुछ इंटरवेंशन को परफॉर्म कर लेंगे, भले वो नर्सिंग इंटरवेंशन हो, मेडिकल इंटरवेंशन हो, सर्जिकल इंटरवेंशन हो, कैसा भी हो। ठीक है, हम एक एक करके सारी पोजीशंस को देखें, अराउंड 10 पोजीशंस हैं। सबसे पहला हमारा सुपाइन पोजीशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशंस में सबसे पहला सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, लेटरल पोजीशन, लिथोटॉमी, डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, फाउलर्स पोजीशन, सिम्स पोजीशन, ट्रेडनबर्ग पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन, ऑर्थोपीनियक पोजीशन। हम एक एक करके इन 10 पोजीशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सुपाइन पोजीशन, द पेशेंट लाइज ऑन हिज बैक विद हिज हेड एंड शोल्डर्स आर स्लाइटली एलिवेटेड। जैसा हम देख सकते हैं पेशेंट जो है नॉर्मली बेड पे इसी तरीके से लाई करेगा, उसके हेड और उसके हेड के नीचे और शोल्डर्स के नीचे हम पिलोस को और दूसरे सपोर्टिव मेजर्स को अप्लाई करेंगे, बस और कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा रहेगा। हम इस पोजीशन को, ये एक यूजुअली पोजीशन है जिसमें हम हमेशा लेटते हैं या हम पेशेंट को रखते हैं। सेकंड, इसको हम चेस्ट और एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रोन पोजीशन, पेशेंट इन पोजीशन इन विच पेशेंट लाइज ऑन एब्डोमिन विद द हेड टर्न टू वन साइड विद वन फॉर बिलो अंडर द एंकल। इसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट को एक पेशेंट को एबडोमन के साइड पे लाई कर रहेगा और पेशेंट का हेड हम एक साइड पे टर्न कर देंगे, पेशेंट के हेड और एंकल के बिलो हम एक एक बिलो दोनों जगह पे अप्लाई करेंगे ताकि पेशेंट को उन जगह पे प्रेशर ना हो। ठीक है, इस पोजिशन का हम यूज़ कर सकते हैं पोस्ट ऑपरेटिव, अगर पेशेंट को कोई बैक साइड पे कोई सर्जरी हुई है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट को अगर प्रेशर स्टोर हो गया है उसके यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई बर्न इंजरी हो गई है बैक साइड पे तो हम यूज़ कर सकते हैं। एब्डोमिनल डिस्टेंशन रिलीव करने के लिए हम ये पोजीशन दे सकते हैं। रीनल बायोप्सी के लिए हम दे सकते हैं। और अगर हमें फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए बैक साइड को एग्जामिन करना है उसके लिए भी हम प्रोन पोजीशन का यूज़ कर सकते हैं। हम देखते हैं लेटरल पोजीशन, द क्लाइंट लाइज ऑन साइड विद वेट ऑन हिप एंड शोल्डर्स और द पेशेंट लाइज ऑन द साइड विथ बोथ आर्म फॉरवर्ड एंड हिज नीज एंड हिप्स फ्लेक्स्ड। जैसा तो पिक्चर में खुद ही देख सकते हैं, पेशेंट एक साइड पे टर्न होके लाई करेगा और उसके आर्म्स जो है वो फॉरवर्ड रहेंगे और हिप्स, उसका सारा प्रेशर जो है उसके आर्म्स, उसके हिप और शोल्डर पे रहेगा, उसकी बॉडी का सारा प्रेशर, और उसके आर्म्स के और हेड के और नी के बीच में पिलो अप्लाई करेंगे ताकि नीज, दोनों नीज के बीच में प्रेशर अप्लाई ना हो और नीज में किसी तरीके का शोर ना हो। आर्म्स के नीचे भी अप्लाई करेंगे ताकि उसके एल्बो पे कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है,
ये हमारी होती है लेटरल पोजीशन। लेटरल पोजीशन हम पेशेंट को, अगर हम जैसे हर 2 आवर्स पे पेशेंट को पोजीशन चेंज कराते हैं तो उसमें हम दे सकते हैं। हम कभी कभी पेशेंट्स को इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव फेज़ में ये पोजीशन देते हैं। अगर हम पेरिनियम एग्जामिनेशन करना हमें तब हम ये पोजीशन देंगे। हम सपोजिटरीज इंसर्शन के लिए भी ये पोजीशन यूज़ करते हैं। अगर हमें रेडियल टेम्परेचर लेना है तब हम इसका यूज़ करेंगे। बैक केयर प्रोवाइड करने के लिए भी हम ये पोजीशन यूज़ करते हैं। और अगर हमें एनिमा देना है या कॉलोनिक इंडिकेशन करना है तो हम लेटरल पोजीशन का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला है लिथोटॉमी पोजीशन। द क्लाइंट लाइज सुपाइन विद हिज हिप्स फ्लेक्स्ड, लेग्स आर सेपरेटेड एंड थाइज आर फिक्स्ड। द पेशेंट बटक्स आर केप्ट एट द एज ऑफ द टेबल एंड लेग्स आर सपोर्टेड बाई स्टिरप्स। जैसे हम देख सकते हैं इस पिक्चर में, जो इंडिविजुअल है वो सुपाइन लाई करेगा, उसके लेग्स जो है वो सेपरेट रहेंगे, उसके उसका जो बटक्स है वो टेबल के एंड पोर्शन पे रहेगा, उसके लेग्स को हम सपोर्ट करेंगे स्टिरप्स की हेल्प से। ठीक है, इस पोजीशन का हम डिलीवरी ऑफ बेबी के लिए यूज़ कर सकते हैं, रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, रेक्टल सर्जरीज के लिए यूज़ कर सकते हैं, हिस्टेरेक्टमी प्रोसीजर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इस पोजीशन को। और अगर मैं वजाइनल एग्जामिनेशन करना हो किसी भी फीमेल इंडिविजुअल का, उसके लिए भी हम ये पोजीशन यूज़ कर सकते हैं। अगला है डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। पेशेंट लाइन ऑन बैक, नीज एंड थाइज फुली फ्लेक्स्ड एंड एक्सट्रीमली रोटेटेड, फीट फ्लैट ऑन बेड। जैसा हम देख सकते हैं इस पिक्चर में, पेशेंट सुपाइन लाई करेगा, उसके उसके जो लेग्स है वो सेपरेट रहेंगे, लेकिन उसके जो लेग्स मतलब पैर का जो बेस होगा वो बेड के बेस पे रहेगा। जैसे हम देख सकते हैं उसका जो लेग है वो इस शेप में, वी शेप में रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों भी सेपरेटेड रहेंगे। जैसा कि हमारे लिथोटॉमी पोजीशन में था कि लेग्स जो थे वो बेड पे ही नहीं थे, वो स्टरप्स के हेल्प से सपोर्ट किए गए थे एयर में। ठीक है, यहाँ पे बेड के इंडिविजुअल का जो लेग होगा वो बेड पे ही सपोर्ट रहेगा, बेड पे ही रहेगा। ठीक है, इस काम यूज़ कर सकते हैं कैथेटराइजेशन के लिए। इस पोजीशन का हम कैथेटराइजेशन के लिए मेनली यूज़ करते हैं, मेल और फीमेल दोनों में। और हम इसका यूज़ कर सकते हैं रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए, वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए, या मेल और फीमेल जेनिटेलिया के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगला है फाउलर्स पोजीशन। इट इज़ अ सिटिंग पोजीशन इन विच हेड इज़ एलिवेटेड एट 45 to 60 डिग्री एंड क्लाइंट नीज आर स्लाइटली एलिवेटेड, अवॉइडिंग प्रेशर ऑन पॉपलिटियल वेसल्स। इसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट को एक सिटिंग पोजीशन, जैसे हम देख सकते हैं इस पिक्चर में, पेशेंट एक सिटिंग पोजीशन होगा, 45 to 60 डिग्री उसका बेड जो हम एलिवेट कर देंगे। इस ये मेनली हमारा हेल्प करता है इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल के लंग्स को ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करता है उसके एक्सपेंशन के लिए, और पेशेंट को रेस्पिरेशन में इजीनेस होता है। ठीक है, इसका हम डिस्निया को रिलीव करने में यूज़ कर सकते हैं, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है ये पोजीशन। हम एब्डोमन बैक और थाइस की मसल्स को रिलैक्स करने के लिए भी पोजीशन दे सकते हैं, टू रिलीव टेंशन ऑन एब्डोमिनल स्ट्रेचर। ठीक है, फाउलर्स पोजीशन, ये हम मेनली हमारी पोजीशन इंडिविजुअल्स को डिस्निया रिलीव करने के लिए मेनली यूज़ होता है। जैसे हम देख सकते हैं इंडिविजुअल हाफ बैठा हुआ है, इसके हम बैक साइड पे पेशेंट को पिलो अप्लाई करेंगे ताकि उसके बैक और हेड पे पिलो अप्लाई करेंगे ताकि प्रेशर अप्लाई ना हो, और अगर उसको प्रॉब्लम हो रही तो उसके हम नी पोर्शन में भी पिलो अप्लाई कर सकते हैं। अगला है सिम्स पोजीशन। इन दिस पोजीशन क्लाइंट लाइज ऑन ईदर राइट और लेफ्ट साइड, द लोअर आर्म बिहाइंड बॉडी एंड अपर आर्म बेंट एट शोल्डर एंड एल्बो। जैसा हम देख सकते हैं कि इंडिविजुअल एक साइड पे, राइट और लेफ्ट साइड पे लाई करेगा, उसका जो एक हैंड होगा वो बैक साइड पे होगा, सेकेंड हैंड सामने होगा वो भी बेंट होगा, उसकी जो एक आर्म होगा, ठीक है, वो भी ये हम देख सकते हैं बेंट होगा। दोनों आर्म्स और लेग और हैंड को दोनों को सपोर्ट करेंगे पिलो से। इस पोजीशन का हम यूज़ कर सकते हैं एनीमा के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सपोजिटरी के लिए, अगर हमें सिग्मोइडोस्कोपी करना है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, प्रोक्टोस्कोपी कर सकते हैं। ठीक है, अगला है ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन। ट्रेडलेनबर्ग, इन दिस पेशेंट लाइज ऑन बैक,
विद हेड लो द फुट ऑफ बेड इज एलिवेटेड 15 डिग्री एंगल एंटायर फ्रेम ऑफ बेड इज टिल्टेड विद हेड ऑफ द बेड डाउन। जैसा पिक्चर से ही समझ सकते हैं इंडिविजुअल का जो इस पोजीशन में इंडिविजुअल का बेड जो है हेड डाउन होगा और फुट पोर्शन एलिवेटेड होगा। ठीक है, इस पिक्चर से समझ सकते हैं। इस पोजीशन का हम यूज़ कर सकते हैं पेशेंट को शॉक में, शॉक कंडीशन, हैमरेज, हाइपरटेंशन में, पोस्टरल ड्रेनेज में हम यूज़ कर सकते हैं। अगर पेशेंट को डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो तो ये कंडीशन, ये हम पोजिशन दे सकते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट है नी चेस्ट पोजीशन। द पेशेंट रेस्ट ऑन द नीज एंड चेस्ट, द बॉडी इज एट 90 डिग्री एंगल टू द हिप्स विद बैक स्ट्रेट, द आर्म अबव हेड एंड हेड टर्न टू वन साइड। पेशेंट नी, ये नी पोर्शन और चेस्ट पोर्शन पे लाई करेगा, उसकी बॉडी 90 डिग्री पे रहेगी, बैक और थाइस, उसके जो आर्म्स होंगे वो स्ट्रेट रहेंगे और हेड एक साइड पे हम टर्न कर देंगे। ठीक है, इसका हम यूज़ वेजाइनल रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के लिए कर सकते हैं, जब मान लो रेट्रोवर्टेड यूट्रस हो या प्रोलैप्स हो जाए उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें गायनोकोलॉजी पेशेंट्स को, गायनी पेशेंट्स को अगर पोस्टपार्टम पीरियड में कोई एक्सरसाइज बतानी हुई है वो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अगला है ऑर्थोपिनियाक पोजीशन। हाई पावलर्स पोजीशन विद ओवर बेड टेबल टू बी प्लेस्ड अक्रॉस द फ्रंट ऑफ द पेशेंट, पेशेंट टू रेस्ट बोथ हैंड ऑन ओवर बेड टेबल और पिलो प्लेस्ड ऑन इट। जैसा कि हमने पढ़ा था हमारा जो फाउलर्स पोजीशन था उसमें 45 to 60 डिग्री एलिवेट करते थे, बट यहाँ पे इंडिविजुअल का बेड जो है स्ट्रेट रहेगा, उसको हम सिटिंग पोजीशन, फुली सिटिंग पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, उसके फॉरवर्ड पोजीशन पे ये हम एक टेबल देंगे, टेबल के ऊपर हम पिलो अप्लाई करेंगे जिसको पर पेशेंट अपने आप को लाई करेगा या उस पर पूरा पेशेंट सपोर्ट अपना उस टेबल पे देगा। ठीक है, यह है ऑर्थोपिनियाक पोजीशन। इसको हम सीवियर डिस्निया में यूज़ कर सकते हैं, कार्डियक पेशेंट्स में, हम थोड़ा सेंटेसिस पोजीशन में भी यही, थोड़ा सेंटेसिस जो प्रोसीजर होता है उसके लिए यही पोजीशन यूज़ करते हैं। थोड़ा सेंटेसिस का मतलब होता है हम लंग एरिया में जो फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है उसको रिमूव करने के लिए उसका हम यूज़ करते हैं। पेशेंट विद चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब्स, जिन इंडिया को चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब पड़ी होती है, थोड़ा सेंटेसिस पोजीशन में जो हम चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब डालते हैं उस टाइम पे, उस ट्यूब को अगर पड़ी हुई है तो इंडिया को यही पोजीशन देते हैं। थैंक यू।